my constituency, Gurgaon, where I contested, I issued a very special appeal to the voters. Please defeat BJP at any cost. आज हम लोगों का जो मुख्य मुद्दा पहले जब हमने अनाउंस किया था तो दिल्ली की लिकर पॉलिसी के अंदर और दिल्ली की सरकार का भ्रष्टाचार के अंदर लिकर पॉलिसी में लिप्त होने के ऊपर करना था, लेकिन जैसे ही यहां पे 12 बजे से पहले यहां पे हम लोग आ रहे थे तो गुलाम नबी आजाद साहब का लेटर और उनके इस्तीफे को हम लोगों ने मीडिया के अंदर देखा, तो आज की हमारी प्रेस वार्ता इसी के ऊपर है और दिल्ली के मसले के ऊपर कल फिर से हम लोग प्रेस वार्ता करके अलग से उसके बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आजाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में देश के अंदर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया, लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं, 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि ये लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के अंत को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, ये बड़े दुख की बात है। इतना ही हम लोग आज इसके ऊपर कहना चाहेंगे। अब जयराम रमेश जी इसके ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे। शुक्रिया अजय। We have read the letter of very senior veteran Congress leader Shri Gulam Nabi Azad ji that has been released to the media. It is most unfortunate and most regrettable that this has happened